बाप के गोट बेटा के स्वाद है और दोनों की गिरे गिरी
सीएनआर रेलगाड़ी में बैठे रहा तीन घंटे वहां का मन की सबकी से डोकरा हुई थी सर डोकरा भरा के डोकरा कथा जवान मन कथे डोकरा डोकरा निकले तो का कही अरे भूतपूर्व जवान बोलता तो मन कथे भूतपूर्व जवान घरो थे अरे जब हर चीज में यह पंच से लेके भूतपूर्व लगे है तो जवान भूतपूर्व नहीं हो सके अनुभव एक बीती समय तीनों लड़का मन को छह रेलगाड़ी में कोई मजा नहीं आ चार तक कहा करबो चलो कुछ करबो तो का करबे जंजीर लगे रहते रेलगाड़ी में इसे खींचे थे और कब की थे जब कोई इमरजेंसी रहते ऊपर नीचे हम दिखाए रहा है 500 रुपया जुर्माना 6 महीना का जेल बिना कारण से जंजीर खींचने पर उमन की चलो ने देख खींचो दूसरा वाला कथे रे वो लिखा है केला पड़ ये पैसे धरे है वो देख पैसे 500 धरे हो दूसरा कथे 500 महू धरे हो मन डर रहा तीसरा घर निकाल के लिखा दी 500 महू धरे हो लेकिन हाँ आप पैसा दे नहीं लागे जंजीर लग देखी हमन गवाही देवो डोकरा सुनाओ लेना है रे भूतपूर्व के डोकरा सुनात रहा है गोटा काम के हो तीन तीन जन जवान लेगा लेकिन ओकर बात ल नहीं मानिस और जंजीर ल खींची तीस रेल हुए पुलिस मने कौन है क्या हुआ वो तीनों संगवारी सुनता मन हार है ये डोकरा खींची साहब हाकिम देखे हैं कि सियनहा कर की तहां सियनहा किस किसे बाबा रेलगाड़ी के जंजीर ल खींचे है तीनों लड़का बता दे का करो माई बाप मोर दुख ल कौन ल सुना मोर दादा की रोज धली डोकरा पुलिस मन कथे दौलत ऊपर रही रेलगाड़ी रोकने में कहा हो गए मुरली का मन हरिद्वार जावे की बैठा रहे साहब का जाना जात रहे हो साहब जात रहे हो 1500 धर रहे हो तेल तीनों झंटुरा मन मंगा ले और तो यकीन नहीं आ गई साहब वो दोनों जन ऊपर जेब में धरे हम एक जन पीछू जेब में अपनी डारिश में आपकी देखे हो कमरता है वही मोरे का है तो मन तो पहली ऐसे ऐसे देखा रहा है वो थैली लमड़े तहन 500 निकले तीनों जन के 5-5 नगई से डोकरा दी तीनों ट्रमल उतारी चार भाग यहां से रेलगाड़ी शुरू करो के की 1500 पाले है डोकरा रेलगाड़ी शुरू हुई कहां खिड़की झांका थे दाढ़ी ऐसे नहीं पाके बाबू टाट रेला कथे अनुभव बस मैं आप लोग निवेदन ये करना चाहते नहीं हो दुनिया में कैसे समस्या रहा है हमर तो हर जीवन के समाधान के नाम ही संत है सियान है आज हनुमान जैसे पावरफुल व्यक्ति है ना जो लंका खपर सकते रावण मार सकते लेकिन जाम मतलब ही जाम अंत में पूछा हूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मुही ये बात ना हर युवा ला याद रखना चाहिए मैं बहुत विनम्र होकर आप सबसे निवेदन करूं आज युवा के पास में जोश है लेकिन होश नहीं है बुजुर्ग कर होश है लेकिन जोश नहीं है अब याद रखना सौरज और धीरज के जब तक चक्कर नहीं लगी तब तक रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है ये देश जब गुलाम रही तो महात्मा गांधी के नरम दल रहा है तो सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा मन के गरम दल घलो रहा है हाउजी ये जीवन में याद रखो जब सिपाही संत से काम ना बने तो सिपाही के भी जरूरत पड़ते और एक ऐसे ही हमारे देश में सदा संत के सिपाही के सती के सम्मान होते तो मैं निवेदन पूर्वक आप सब लोग कहना चाहता हूँ हम सब के जीवन में यात्रा में कई समस्या है बस जरूरत है तो हम लोग का समाधान की ओर बढ़े बस और वो समाधान केवल और केवल कोनो संत के शरण में कोनो सीनियर के शरण में आवा आवा जाओ मत कहीं देहा सीता जी पता लगावे अब हनुमान जी का करते थे आखिरी बात कहा फिर मैं कथा की आगे बढ़ू हनुमान जी कथे तो मन ही कर सब घर रहे रहो मुरावत में इंतजार करू और हनुमान जी का करी यह कही